यूपी रोडवेज परिवहन निगम को घाटे से उबारने के लिए की गई परिवहन मंत्री अशोक कटारिया की अपील और मेहनत अब रंग लाने लगी है। यही कारण है कि बहराइच रोडवेज डिपो घाटे से उबर कर लाभ की स्थिति में आ गया है। डिपो स्टेशन प्रभारी उमापति ने जानकारी देते हुए बताया कि नवंबर महीने में हम 50 लाख रुपए लाभ कमा चुके हैं और हम इसे आगे भी जारी रखने का प्रयास करेंगे, और ये सब परिवहन मंत्री अशोक कटारिया की प्रेरणा से ही मुमकिन हो पाया है, जो कि आगे भी जारी रहेगा। बस स्टेशन के प्रभारी उमापति का कहना है कि महिलाओं को वरीयता और सुरक्षा देना हमारा दायित्व है। हमको रोडवेज मुख्यालय लखनऊ से ऐसे दिशा निर्देश भी मिलते रहते हैं। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम बहराइच डिपो में कुल 110 बसें हैं। 110 बसों में 10 अनुबंधित और 100 निगम की बसें हैं। हम लोग यात्री की उपलब्धता को देखते हुए, क्योंकि कोरोना काल लगभग खत्म हो चुका है, फिर भी कोविड-19 का पालन करते हुए और हमारे परिवहन मंत्री जी श्री कटारिया जी के निर्देशन में, उनके प्रेरणा से हम लोग रात दिन मेहनत करते हुए इस बहराइच डिपो को लाभ की स्थिति में पहुंचाए हैं। इस महीने में आज 26 तारीख है, हमारा डिपो लगभग 50 लाख रुपए के फायदे में चल रहा है। हमारे डिपो के चालक, परिचालक एवं अन्य कर्मचारी अपना 100% परफॉर्मेंस दे रहे हैं, जिससे हम लाभ की स्थिति में हैं और भविष्य में भी हम लाभ देंगे।